हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? आई हो बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे यहाँ पे और मजे कर रहे होंगे। तो आज के दिन मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने लो एंड पीसी पे विंडोज 11 का लाइटेस्ट वर्जन यानी कि टाइनी 11 को इंस्टॉल कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको अपने पीसी की स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे ड्यूल कोर का प्रोसेसर है एंड 6 GB की रैम है यहाँ पे। तो OS को इंस्टॉल करने के लिए आपको दो फाइल्स की रिक्वायरमेंट होंगी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको कोई भी क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है, कोई भी ब्राउज़र हो, और मैं आपको दोनों वेबसाइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है टाइनी 11 डाउनलोड एंड फिर एंटर प्रेस करना है। फिर जो आपको सबसे नंबर 1 पे जो आपको वेबसाइट दिखेगी, उस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको आई अंडरस्टैंड वो जो ब्लू बार में आ रहा है आपको उस पर टच करके, एंड ये आपको कुछ दिखाएगा कैसा है ये इंटरफेस। देख सकते हो भाई कैसा लुक है इसका टाइनी 11 का। भाई विंडोज 11 का लाइटेस्ट वर्जन ही आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड अब हम लोग जाएंगे तो आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो लिखा है ये 8 GB रैम ही लेता है, जबकि जो विंडोज 11 है वो 20 GB के आसपास लेता है। तो वो तो हम लोग इंस्टॉल करके देखेंगे। तो आपको यहाँ से फाइल सेलेक्ट कर लेनी है, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं 22H2β1 सेलेक्ट कर रहा हूँ, और आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपका मन हो। मैं रिकमेंडेड करूँगा β1, और β1 के नीचे जो है नो सिक्योर बूट वाला, उसको आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्रॉस कर देता हूँ बिकॉज मेरे पास है पहले से। एंड फिर आपको न्यू टैब खोल लेना है, एंड अब आपको यहाँ पे लिखना है रूफ़ुस। रूफ़ुस सर्च करने के बाद आपको सबसे टॉप पे जो वेबसाइट दिखेगी आपको उस पर चले जाना है, एंटर कर देना, मतलब एंटर कर देना उसमें। एंड कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको स्क्रॉल डाउन करना है, एंड देन जो आपको सबसे ऊपर दिख रहा है रूफ़ुस 4.5exe, आपको उस पर जो है टच कर देना है। ऐड आएगा, आपको क्रॉस कर देना है, एंड फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा वेट करोगे तो वहाँ पे इंस्टॉल होने लगेगा। देख सकते हो यहाँ पे इंस्टॉल होने लगा है, तो मैं इसको जो है कट कर देता हूँ। अब हम लोग चलते हैं अपने फाइल मैनेजर में, एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ वो दोनों फाइल्स। ये देख सकते हो आप रूफ़ुस एंड टाइनी 11 यहाँ पे है। तो सबसे पहले आपको इसको इंस्टॉल करने के लिए क्या करना होगा, देखो यहाँ पे सिर्फ एक डिस्क है मेरे पास। आपको जो है इस तरीके की एक पेन ड्राइव जो है अपने पीसी में कनेक्ट कर लेनी है। जैसे ये मेरे पास 16 GB की, आप इसको जो है मतलब कोई भी पेन ड्राइव आप अपने पीसी में कनेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने 16 GB की जो है कनेक्ट कर दी है। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे पेन ड्राइव को मेरे पीसी ने सक्सेसफुली डिटेक्ट कर लिया है। और गाइस, आपको एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपकी पेन ड्राइव एकदम क्लीन होनी चाहिए, बिकॉज इस पेन ड्राइव को हम लोग बूटेबल पेन ड्राइव में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग जाएंगे रूफ़ुस में, जहाँ पे हम लोगों ने डाउनलोड करके रखा है, उसको राइट क्लिक करके ओपन करेंगे। यस, एंड गाइस ये टाइम लेगा, ओपन हो चुका है। तो ये देख सकते हो हमारी पेन ड्राइव को इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है। यहाँ पे नो लेबल गाइस लिख के आ रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम कुछ हो रही है, बट आपके में नहीं होगी। मेरे में कुछ प्रॉब्लम आ रही है पेन ड्राइव में। फिलहाल इसने डिटेक्ट कर लिया है, देख सकते हो 16 GB रैम। तो आप सेलेक्ट करके यहाँ से फाइल सेलेक्ट कर लोगे जहाँ पे आपने टाइनी 11 को जो है डाउनलोड करके रखा होगा। जैसे मैं ऐसे ओपन कर लेता हूँ, एंड फिर यहाँ पे देख सकते हो सेलेक्ट कर लिया। अब गाइज यहाँ पे आपको एक ध्यान देना है, यहाँ पे देख सकते हो आपको एक ऑप्शन मिला होगा GPT करके, आपका MBR भी सेलेक्ट हो सकता है। तो आपको इसमें दो ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको उनमें से अपनी विंडोज़ के लिए जो बेस्ट हो वो सेलेक्ट करना है। अगर आपको ये देखना है कि कौन सा बेस्ट है, तो आपको जाना है विंडोज़ आइकन पे, राइट क्लिक करना है विंडोज़ आइकन पे, डिस्क मैनेजमेंट में आके जिस डिस्क में आपकी विंडोज़ इंस्टॉल हो उस डिस्क में राइट क्लिक करके वॉल्यूम्स वाले ऑप्शन पे चले जाना है। एंड आपको यहाँ पे दिख जाएगा पार्टीशन में क्या है, MBR पार्टीशन है या फिर GPT। तो आपका जो भी पार्टीशन हो वहाँ पे आपको सेलेक्ट करके वहीं पे कर देना है। जैसे मेरा MBR है, तो मैंने MBR यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको नेम चेंज कर सकते हो, जो भी आपको नेम रखना हो। मैं यहाँ पे रख देता हूँ टाइनी 11 ही, मैं यहाँ पे नेम रख देता हूँ। मैं यहाँ पे टाइनी 11 जो है यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। आपके मन में जो भी नेम आपको रखना हो इस लेबल का, तो आप जो है नेम उसको सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने टाइनी 11 रख दिया है।
एंड फिर से आपको टाइनी 11 के नीचे एक ऑप्शन दिखेगा NFTS फाइल सिस्टम करके, तो आपको यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट हो सकता है। तो आपको क्या करना है, NFTS ही सेलेक्ट करना है, यहाँ पे कुछ भी हो आपको NFTS ही सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको स्टार्ट पे क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आएंगे। थर्ड ऑप्शन है क्रिएट अ लोकल अकाउंट, तो आप यहाँ पे कुछ भी नेम सेलेक्ट कर सकते हैं जिस नेम से आपको लोकल अकाउंट बनाना हो। मैंने अपना नेम सेलेक्ट कर लिया है, डाल दिया है एंड फिर आपको सारे बॉक्सेस को जो है चेक कर लेना है, फिर आपको ओके वाले ऑप्शन पे जो है क्लिक कर देना है। एंड ये वार्निंग आपके में नहीं आएगी, मेरी में आई बिकॉज कुछ इशू है, तो इसको मैं यस कर देता हूँ। आपके में तो आप भी यस कर देना। ये वार्निंग आएगी आपके में, इसका मतलब है कि आपकी पेन ड्राइव में अगर कुछ भी डाटा है तो क्लियर हो सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ प्लीज़ डाटा को बैकअप लेके एंड क्लियर करके आप पेन ड्राइव इसमें इंसर्ट कीजिए। फिर मैं स्टार्ट पे टच कर दूंगा और ये कुछ टाइम लेगा, तो इसको होने देते हैं ऑटोमेटिकली। तब तक प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ गाइज। देख सकते हो गाइस यहाँ पे जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, प्रोसेस रेडी लिख के आ गया है। तो आपको यहाँ से क्लोज कर देना है, स्टार्ट नहीं करना है। क्लोज करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि पेन ड्राइव में हमारा सारा का सारा डाटा जो है वो आ चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये देखिए पूरा का पूरा जो है OS का डाटा आ चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। अब मैं क्या करूँगा, उसके से ऊपर से क्रॉस करके जो अपनी पेन ड्राइव है उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे पेन ड्राइव जो है निकाल ली है, आप लोग देखो। देन उसके बाद जो अगला स्टेप है आपको क्या करना है, आपको अपने पीसी या लैपटॉप को शट डाउन कर देना है। अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो उसको पूरा ही शट डाउन कर दो, जैसे आप ऑन करते हो ना पूरा उसको शट डाउन कर दो। और अगर आप पीसी यूज़ कर रहे हो तो प्लीज़ आप जहाँ से पावर दे रहे हो वहाँ से आप पावर को कट कर दो। कट करने के बाद आपकी जो पेन ड्राइव है जिसमें जिसको हम लोगों ने बूटेबल पेन ड्राइव में कन्वर्ट किया था उसको आप अपने पीसी में लगा देंगे। पीसी में लगाने के बाद आपको अपना पीसी ऑन करना है, फिर आपको बायोस मोड में चले जाना है। मैं डिलीट की प्रेस करके आ चुका हूँ अपने बायोस में, आपकी कोई भी की हो सकती है बायोस में जाने के लिए। उसके बाद आपको बूट में जाके बूट डिवाइस प्रायोरिटी में जाके फर्स्ट बूट डिवाइस को सैंड डिस्क ही सेलेक्ट करना है, कोई भी आपके पेन ड्राइव पर जो नाम होगा वो सेलेक्ट करना है। फिर आपको सेव करके एग्जिट कर देना है, F10 से मेरे में होता है आपके में जिससे भी हो आप देख लेना। फिर उसके बाद ये रीस्टार्ट होगा, ये आएगा प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम USB, आपको एंटर की प्रेस कर देना है। USB से बूट होने के बाद आपके सामने विंडोज़ 11 का लोगो आ जाएगा, तो ये यहाँ पे बूट हो रही है विंडोज़ 11, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो है वेट कर लेना है। बाय द वे गाइस अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो प्लीज़ यार प्लीज़। तो इसको हम लोग होने देते हैं। बहुत टाइम वेट करने के बाद आपके सामने विंडोज सेटअप ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से आप लैंग्वेज टू इंस्टॉल एंड टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट आप जो है इसको कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कीबोर्ड और इनपुट मेथड कोई भी आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, फिर आपके सामने कुछ ऐसी विंडो ओपन होगी, आपको यहाँ से चेक कर लेना है, पढ़ना चाहते हो पढ़ भी सकते हो। फिर नेक्स्ट करना है, देन आपको वो ड्राइव सेलेक्ट करनी है जिस ड्राइव में आपका विंडोज़ इंस्टॉल करना हो आपको। तो इसमें मेरा जो मैंने ड्राइव सेलेक्ट करी है उसमें मेरी पुरानी विंडो पड़ी है, तो इसमें जब मैं नेक्स्ट करूँगा तो एक वार्निंग आएगी कि जो आपकी पुरानी विंडो है वो इसी स्पेस में है, इसी डिस्क में है, तो इस डिस्क में आपकी पुरानी विंडो विंडोज़ पॉइंट ओल्ड के नाम से सेव हो जाएगी, बट आप उस विंडो पर दोबारा वापस नहीं जा सकते हो। मतलब अगर आप अपग्रेड कर रहे हो तो आप डाउनग्रेड दोबारा नहीं कर सकते हो। फिर आपके सामने ये कुछ ऑप्शन आएंगे इंस्टॉलिंग विंडोज़ का, तो इसको होने देते हैं, इंस्टॉल होने देते हैं विंडो को। ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा, 10 to 15 minutes। मैं वीडियो को यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो।
तो गाइज यहाँ पे जो है फिनिशिंग अप होने वाला है, उसके बाद आपको ऐसी विंडो आएगी, तो आपको 10 सेकेंड के अंदर ही जो आपकी पेन ड्राइव है उसको आपको निकाल लेना है। अगर आपने नहीं निकाला तो फिर से विंडोज इंस्टॉलेशन सेटअप ये ओपन कर देगा, बिकॉज अगर आपकी पेन ड्राइव लगी रहेगी तो ये फिर से आपकी पेन ड्राइव से ही बूट होगा। इसलिए आपको इन 10 सेकेंड के अंदर अपनी पेन ड्राइव को जो है निकाल लेना है। मैंने पेन ड्राइव निकाल ली थी, तो ये देख सकते हो विंडोज जो है स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे ये थोड़ा सा लोडिंग लेगी, उसके बाद ये विंडो ओपन होगी, और इस विंडो में अगर विंडोज 10 सेलेक्ट है तो आप 11 सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दीजिए, वरना विंडोज 11 डिफॉल्टली सेलेक्ट रहता है। उसके बाद ये विंडो फिर से स्टार्ट होगी, विंडोज 11, तो इसमें ये थोड़ा सा टाइम लेगी, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो इस क्लिप को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। उसके बाद ये आपकी विंडोज जो है इंस्टॉल हो चुकी है, एंड अब टाइम है इसको सेटअप करने का। तो सबसे पहले आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे, जो कि होगा सेलेक्ट योर कंट्री, तो यहाँ से हम इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। इंडिया को ढूंढते हैं, कहा गया इंडिया इंडिया इंडिया, अभी तो बी वाला ऑप्शन चल रहा है, सी डी ई एफ एंड जी एच, ये रहा इंडिया, तो इंडिया को हम लोग यस कर देंगे एंड फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एंड यहाँ से आपकी विंडोज जो है स्टार्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम लेगा। और यहाँ पे गए जो हमारी विंडोज 11 का लाइटेस्ट वर्जन है, यानी कि टाइनी 11, वो हमारे लो एंड पीसी पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। एंड अब मैं दिखा देता हूँ कि आखिर इस विंडोज 11 यानी कि टाइनी 11 के साथ में हम लोगों को कौन कौन से ऐप जो है मिले हैं। तो मैं चलता हूँ विंडोज वाले लोगों पे, एंड यहाँ पे देखिए गाइस कुछ ये ऐप मिलते हैं आपको, मतलब जो भी ऐप आपके यूज करना हो आप उनको अनइंस्टॉल भी यहाँ से कर सकते हैं। अब मैं आपको कंट्रोल पैनल में भी चल के दिखा देता हूँ, तो यहाँ से सर्च किए कंट्रोल पैनल एंड ओपन किया, एंड फिर अनइंस्टॉल आप प्रोग्राम में गए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक भी बेफालतू का सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम नहीं है, जिसकी वजह से आपकी विंडो जो है और भी ज़्यादा लाइटेस्ट विंडो हो जाती है। और गाइस अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इस टाइनी 11 ने कितनी GB स्पेस यूज़ कर रखी है। तो आप देखो यहाँ पे मैं गया दिस पीसी में, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अभी जो बहुत ज़्यादा स्पेस दिख रही है, बिकॉज इसमें मेरा विंडोज ओल्ड वाला फोल्डर भी है। आप देख सकते हो विंडोज ओल्ड एंड विंडोज ओल्ड के दूसरा फोल्डर, मेरे दो विंडोज थी ना तभी। तो अब मैं इन दोनों फोटो को पहले डिलीट करूँगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर कितनी ज़्यादा स्पेस हमारे पास है। डिलीट हो चुकी है सक्सेसफुली, एंड अब हम लोग जाएंगे बैक यहाँ से, और अब आप लोग देखिए ये देखिए कितनी कम स्पेस यूज़ हुई है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में जाके देख सकते हो 14.6 GB ही स्पेस इसने यूज़ करी है। तो गाइज ये थी हमारी टाइनी 11 यानी कि विंडोज 11। तो पसंद आया वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय।